किशोर, थोड़ा सा निराशा ही हाथ लग रही है कांग्रेस के, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं न्यूज। मैं रोक रहा हूँ आपको रवि, 30-20 का स्कोर हो गया, 50 रुझानों में 30-20 का स्कोर हो गया, 30 आम आदमी पार्टी, 20 बीजेपी, अमित क्या रिजल्ट है अभी? कुछ इंपोर्टेंट सीट्स के हमारे पास हुआ है, पटेल नंबर वार्ड नंबर 46 से आम आदमी पार्टी आगे चल, पटेल नगर पश्चिमी दिल्ली के भी अब रुझान आना शुरू हो गए हैं। पटेल नगर बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, वहां से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। बल्ली मारान वार्ड नंबर 80 से बीजेपी आगे चल रही है। बल्ली मारान हारून यूसुफ का इलाका है, बल्ली मारान कांग्रेस का इलाका हुआ करता था, वहां से बीजेपी आगे चल रही है, बल्ली मारान से बीजेपी आगे चल रही है। ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर, लेकिन 30-20 का स्कोर अभी चल रहा है। मॉडल टाउन वार्ड नंबर 69 से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है किशोर, मॉडल टाउन जो नॉर्थ दिल्ली के इलाका है, मॉडल टाउन से बीजेपी आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। 52 वार्ड का अभी तक रुझान आया है, 31-21 का स्कोर चल रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, ये शुरुआती रुझान है। और अब धीरे 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 ईवीएम के रुझान आना भी शुरू हो रहे हैं, पश्चिमी दिल्ली के भी रुझान आना शुरू हो रहे हैं। वार्ड बिजवासन वार्ड नंबर 131 से आम आदमी पार्टी आगे, बिजवासन से आम आदमी पार्टी आगे चल, वहां से किशोर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर है, महाबल मिश्रा जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, आम आदमी पार्टी में बिजवासन, 35 पर आम आदमी पार्टी, 21 पर बीजेपी, वेलकम कॉलोनी में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, बिजवासन में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, छतरपुर में बीजेपी आगे चल रही है, दक्षिण दिल्ली के छतरपुर में बीजेपी आगे चल रही है, 35-21 का स्कोर। अबुल फजल एंक्लेव सीट पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, छतरपुर में बीजेपी आगे चल रही है, अबुल फजल एंक्लेव में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, नरेला में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, त्रिलोकपुरी में बीजेपी आगे चल रही है, पूर्वी दिल्ली में त्रिलोकपुरी में बीजेपी आगे चल रही है। और इधर 40-25 का स्कोर हो गया है, 65 वार्ड इधर हमारे बताना चाहूंगा, गीता कॉलोनी से इस वक्त नीमा भगत है बीजेपी की, वो आगे चल रही है, जबकि गीता कॉलोनी पूर्वी दिल्ली में गीता कॉलोनी में बीजेपी आगे चल रही है। कमलजीत दूसरे नंबर पर है, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर, गीता कॉलोनी में पूर्वी दिल्ली में बीजेपी आगे चल रही है। और वहीं रोहिणी ई की तरफ से जो है प्रवेश वाही है बीजेपी के, वो आगे चल रहे हैं, और कुलदीप मित्तल आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है। रोहिणी से बीजेपी आगे चल रही है, रोहिणी से बीजेपी आगे शुरुआत से बनी हुई है, शुरुआती रुझानों से ही वहां पर बीजेपी आगे चल रही है। लेकिन पूर्वी दिल्ली में हम देख रहे हैं त्रिलोकपुरी में बीजेपी आगे चल रही है, गीता कॉलोनी में बीजेपी आगे चल रही है, 41-25 का स्कोर दिख रहा है इस वक्त, पूर्वी दिल्ली में भी बीजेपी कुछ जगह सीटों पर आगे। बाहरी दिल्ली के हमें ट्रेंड्स आए हैं किशोर, बवाना वार्ड नंबर 31 से बीजेपी, बवाना से बीजेपी आगे चल रही है, बवाना से बीजेपी आगे चल रही है, 41-25 का स्कोर, 42-26 का स्कोर हो गया है, 68 वार्ड के रुझान आए हैं 250 में, 42-26 का स्कोर हो गया है, 26 सीटों पर 26 वार्ड में बीजेपी आगे, 42 वार्ड में आम आदमी पार्टी आगे। किशोर नांगलोई से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, बाहरी दिल्ली का इलाका है नांगलोई, नांगलोई से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, नांगलोई से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 42-26 किशोर, आईएनसी का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है, सीलमपुर से कांग्रेस आगे चल रही है। मतीन अहमद की हम बात कर रहे थे, सीलमपुर के से बगल में वेलकम कॉलोनी से जरूर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, लेकिन सीलमपुर से कांग्रेस आगे चल रही है, पहला रुझान कांग्रेस के पक्ष में जो जाता दिख रहा है वो सीलमपुर का है, शुरुआती रुझान है, लेकिन सीलमपुर में कांग्रेस आगे चल रही है, थोड़ी राहत महसूस करेगी कांग्रेस खाता खुलने से। इस वक्त 72 रुझान जो आए हैं उनमें 73 रुझान जो आए हैं, एक कांग्रेस, 45 आम आदमी पार्टी और 27 बीजेपी, 45 में आम आदमी पार्टी, 27 बीजेपी, 73 रुझान शुरुआती रुझान आ चुके हैं 250 वार्ड में, मॉडल टाउन में आप, छतरपुर में बीजेपी, कृष्णानगर में आम आदमी पार्टी, त्रिलोकपुर में बीजेपी, नरेला में आम आदमी पार्टी, ईस्ट पटेल नगर में आम आदमी पार्टी।